एक मशहूर कोट है कि सफलता आपके ही हाथ में होती है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। इसी बात का एक जीता जाता एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, रिंकू सिंह। यही वो नाम है जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काफी है। ये केवल एक नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बंदे की, इस इंसान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बंदे ने ये करके दिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर तुम में कुछ करने का जुनून है, कुछ पाने की तड़प है, तो तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। इस बंदे ने दिखा दिया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इस बंदे ने दिखा दिया कि सफलता हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि खून पसीने से प्राप्त होती है। इस बंदे की कहानी में बहुत दम है। आइए आपको पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 12 अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिंकू सिंह का जन्म हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। शुरुआत में इनको क्रिकेट में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता था। कई साल तक रिंकू और उनकी फैमिली एक गैस गोडाउन में रहती थी। रिंकू के पापा गैस डिलीवरी का काम किया करते थे और रिंकू का भाई स्वीपर का काम करता था, और इस तरह से इनके परिवार का गुजारा हो जाता था। रिंकू को भी स्वीपर का जॉब ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपने माँ बाप से कहा कि क्रिकेट मुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। एक दफा रिंकू ने क्रिकेट से एक बाइक जीत ली। उस दिन से उनके पापा ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। 2017 में जब रिंकू को केकेआर की तरफ से 10 लाख रुपए मिले तो उन्होंने अपने पिता के सारे लोन्स चुका दिए। 2018 में उनको 80 लाख रुपए में खरीदा गया और उन पैसों से रिंकू ने एक नया घर बनवा लिया। बस ये तो एक शुरुआत थी। दुनिया को रिंकू नाम की गूंज तब सुनाई दी जब उन्होंने यश दयाल नाम के बॉलर को 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को सफलता दिलाई। उस दिन दुनिया को पता चल गया कि रिंकू सिंह कौन है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में उन 5 छक्कों की वजह से ही रिंकू सफल हो पाया? नहीं दोस्तों, उन 5 छक्कों के पीछे जो सालों की मेहनत थी, जो डेडिकेशन थी, जो जुनून था, जो जोश था, उन 5 छक्कों के पीछे जो भी कठिनाइयां रिंकू सिंह ने अपनी जिंदगी में उठाई, वो सब उसकी सफलता के कारण थे। अगर उसने वो स्वीपर की नौकरी कर ली होती तो आज कोई भी रिंकू सिंह को जानता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं सुनता। उनके अंदर जो जिद थी क्रिकेटर बनने की, उस जिद ने उनको सफलता दिलाई। अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब रिंकू सिंह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपका भी कोई सपना है क्रिकेटर बनने का, डांसर, एक्टर या कुछ भी बनने का, तो आपको उस सपने को कभी टूटने नहीं देना है। हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना है जैसे रिंकू सिंह भागता रहा, और एक ना एक दिन सफलता उसके हाथ जरूर लगी। रिंकू सिंह जैसे लोग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। हम ऐसे लोगों को देखकर अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें हिम्मत मिलती है कुछ करने की। हमारे दिल में एक आवाज उठती है कि जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, एक इंसान की सफलता दूसरे इंसान के लिए रास्ते की रोशनी बन जाती है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हो तो कल आप जरूर किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। आज शायद ही आपको कोई जानता होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने मकसद में, अपने गोल्स को पाने में सफल हो जाओगे, फिर हर जगह, हर महफिल में आपकी चर्चा होगी। लेकिन उसके लिए मेहनत और डेडिकेशन जारी रखना है दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में उसी इंसान की इज्जत होती है जिसके पास पैसा है। हम उम्मीद करते हैं कि रिंकू सिंह की इस कहानी ने आपको काफी इंस्पायर किया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।